नींबू को मैं थोड़ा छिड़काव करूंगा बासों के ऊपर कि अगर हो तो आए। हेलो दोस्तों, राम राम। आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप लोग सपोर्ट बनाए रखें, और आज फिर से मैं कहानी मतलब बचपन से सुनता चला आ रहा हूँ कि बांस के पेड़ में चुड़ैल होती हैं। और मेरे पीछे अगर दिखाई दे रहा होगा तो काफ़ी ज़्यादा घना जंगल है बांस का, और मैं उस चुड़ैल को आज यहाँ पर देखने आया हूँ। और क्या देखते हैं, उसको दिखती है कि नहीं। मगर चुड़ैल को बुलाने का मतलब मेरे कमेंट में आया था कि नींबू काटो वहाँ पर बांस के पास जाके, तो मैं आज नींबू लाया हूँ। ये चाकू है और ये नींबू है, और मैं नींबू काटूँगा। देख सकते हो दोस्तों, नींबू है और मैं आज नींबू काटने वाला हूँ बांस के पास। और मैंने भी बहुत सारी कहानियाँ सुनी है कि चुड़ैल हैं बांसों में, चुड़ैल होती हैं। क्योंकि एक बार की बात है कि एक बूढ़ी औरत थी मेरे नानी के यहाँ, तो वो बांस में मतलब बांस के पास, बांस वहाँ पर भी बांस था थोड़ा दूर पे, तो उस बगीचे में गई थी टहलने शाम के टाइम मतलब उस साइड, तो उस पर चुड़ैल हावी हो गई थी, मतलब उसको पकड़ लिया था। तो मैं बहुत खेलती थी मतलब घूमना ऐसे ऐसे करना, तो मैंने उसको देखा है कई बार। तो आज हम चल रहे हैं, और अगर वॉल्यूम आ रहा होगा तो कहीं लग रहा भगवान का पूजा भी हो रहा है। तो मैं चल रहा हूँ वहाँ पर और देखूँगा कि क्या है वहाँ पर। पानी वाइट थोड़ा बच्चे, देख सकते हैं दोस्तों, ये पूरा बांस है और इसके अंदर भी बहुत सारा बांस है, काफ़ी ज़्यादा दूर तक है। तो हम इधर शुरुआत है गांव का, तो मैं यहीं पर ये टोटके को अंजाम दूंगा। ये सब एक दोस्तों टोटका भी है, और लोगों का जैसा कि भ्रम होता है उसको भी मैं दूर करता हूँ। क्योंकि जैसा कि लोग कहते हैं कि नहीं मतलब मैंने बहुत देखा अभी अपने गाँव में, खुद ही देखा मैंने कि चूड़ी रोरी मतलब कलर और नींबू और बहुत सी गुड़िया उड़िया बना के उसको चुभो देना, तो कोई उसके ऊपर से चला जाए उसे या कोई चीज़ उसमें से उठा ले तो ऐसा हो जाता है, टोटका हो जाता है। वैसे ही नींबू का टोटका ना बहुत ही अचूक होता है। अगर एक नींबू चार मिर्च दुकान में लगा दो या व्यापार में लगा दो, अपने कहीं लगा दो, तो बुरी नज़रों से बचाता है नींबू। नींबू का बहुत ही बड़ा महत्व तो है हमारे जीवन में। ये खाने के काम आता है, पीने के काम आता है, मतलब बहुत सा नींबू का जो है ना ये भगवान से लेके आत्माओं को भी चढ़ता है। तो आज ये बांस का पेड़ है, आप देख सकते हो बांस, तो आप सबने देखा होगा। तो ये बांस में सच में चुड़ैल होती हैं, मैंने भी बहुत बार मतलब सुना है कहानियों में भी और वैसे भी। तो मैं नींबू और अंडा दो चीज़ का कहा गया था फोड़ने को, तो आज जैसा कि दिन वीरवार है तो मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि अंडा नहीं छूऊँगा और नींबू, हाँ ये नींबू तो काट सकता हूँ, तो मैं आज नींबू ही लाया हूँ। अगर आप कमेंट बॉक्स में कहते हैं कि क्या नाम से काटा जाए अंडा भी फोड़े बांस के पास, तो वो भी हम करेंगे। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो पे मेरे 1000 लाइक आ जाता है तो मैं अगली वीडियो मतलब कई ऐसा जगह बनाने वाला हूँ जो आपको यकीन नहीं होगा। हम कब्रिस्तान जाने वाले हैं, शमशान घाट बोले तो शमशान घाट जाएंगे, और वहाँ पर जिंदा लाशों को जलते दिखाएंगे आपको, और उनके वहाँ पर भी कुछ ऐसा करेंगे जो आपको यकीन नहीं होगा। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, वायरल करिए दोस्तों, और कम से कम 1000 लाइक कर दीजिए इस वीडियो पे। फिर नेक्स्ट वीडियो मैं वही बनाने वाला हूँ, शमशान घाट में जाऊँगा जहाँ पर मुर्दों को जलाया जा रहा होगा, वहाँ पर बैठ के कुछ मैं ऐसा करने वाला हूँ जो आपको यकीन नहीं होगा। तो बस दोस्तों, 1000 लाइक की बात है। और जैसा कि बरसात का टाइम है, अभी चल रहा है सावन, चल रहा है सावन का महीना चल रहा है, तो कुछ भी आ सकता है, सांप बिच्छू कीड़ा बिच्छू भी आ सकता है। तो बांस हो रहा,
और नींबू मेरे हाथ में है, तो शुरू करते हैं काटना इसको। और आपको भी पता है कि कुछ भी ऐसा नहीं होता कि ले आया और काट के फेंक दिया हो गया, तो उसके पहले भी हर एक काम को लेने से लेके मंत्र का उच्चारण करना ज़रूरी होता है, चाहे वो तिलक लगाया जाए, चाहे रक्षा बांधा जाए, चाहे कोई भी कोई जन्म लेता है तो भी मंत्र का उसमें उच्चारण करना पड़ता है, कोई मरता है तो भी मंत्र का ही उच्चारण करना पड़ता है। और जैसा कि मैं ब्राह्मण भी हूँ और तो मैं कुछ ऐसा ही करता हूँ, मैं लोगों के डर को जो है उसको मैं मिटाने पे लगा हूँ, क्योंकि जो अंधभक्त दुनिया होती चली जा रही है, मतलब कुछ सोचा ना समझा, मतलब तो जैसा कि दोस्तों अंधभक्त दुनिया होती चली जा रही है, मतलब लोग ना छोटी छोटी कहानियों से और मतलब लोगों के बात से, मतलब यहाँ मत जाओ, ऐसा मत करो, सुनता चला आया था। तो मेरे दिलो दिमाग में आया कि एक ऐसा चैनल बनाया जाए जिसमें लोगों का डर, वहम और जो भी है उसको दूर करा जाए। तो दोस्तों मेरा कहना यही है कि अगर आपको कोई भी संदेह हो, कोई भी बात हो, तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं आप लोग। और दोस्तों कोई भी सवाल हो, मतलब जैसे कि आपके मन में हो रहा होगा कि क्या हम कब्रिस्तान में जाके लाश झागड़ी होती उसको खोदें तो क्या होगा, मैं उसको भी साबित कर दूंगा। मैं जाऊंगा और कब्रिस्तान में जहाँ लाश से गड़ी होती है उसको भी खोद के दिखा सकता हूं, क्योंकि मुझे अपने आप पे बहुत ही विश्वास है, तो क्योंकि मैं कर सकता हूं शायद। तो बस वीडियो मेरी शेयर करिए और जो भी आपके मन में है मुझे बताइए, मैं वो करके दिखाऊंगा। लोगों का डर जो है मुझे निकालना है, जैसा कि इस समय हमारे भारत में प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, तो वो ऐसे ऐसे कारनामे कर रहे हैं कि जो यकीन नहीं मानने लायक है, मतलब कुछ भी ला दे रहे हैं, GST ला के पटक दिया, नोटबंदी करवा दिया, मतलब ना एक से एक नई चीज़ें लाते रहते हैं। तो मेरे भी खोपड़े में ना मतलब खोला कुछ चला कि नहीं, भूत, तो मैं उस भूत को ढूंढना चाहता हूँ, मैं देख रहा हूँ कि वो भूत कहाँ है, मैं देखना चाहता हूँ। मैं भी मतलब ले नींबू काटना है, नारियल फोड़ दूंगा, बांस में बैठ के कुछ खा लूँगा, कब्रिस्तान में जलती चिता के पास मैंने खाया है यार, अगर कहोगे तो वीडियो भी बना दूंगा, एक जलती चिता जल रही थी, मैं बैठ के खाया। क्यों खाया? क्योंकि मैंने एक बार देखा था कि यार जो उसको आग देते हैं, डोम कहते हैं उसको, वो उसके लड़के खा रहे हैं उसी पे, वही पे लाश जल रही है, उनको जब फर्क नहीं पड़ता तो हमको क्या पड़ेगा। मगर हाँ, किसी की आत्माओं को ठेस नहीं पहुँचाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो मैं ये चाकू नींबू रख दिया और ये चाकू, जैसा कि नींबू का कलर बदल जाता है या नींबू यहाँ से हिल जाता है या तो नींबू काटने के बाद सूखा निकलता है, तो यहाँ पर सच में बुरी आत्मा, बुरा साया होगा। और उसके पहले मैं दोस्तों आपको टाइम बता दूं, तो अभी 10:00 ये हिला बे, दोस्तों यहाँ पर हो रहा है, शायद ज़्यादा ही बोल गया मैं, यहाँ के चुड़ैलों को लगता है मुझ पर अब जो दया दृष्टि थी वो हट गई है। तो दोस्तों ठीक है, काटते हैं, अगर ये नींबू सूखा निकलता, कुछ भी निकलता है, तो फिर मैं मंत्र का उच्चारण करता हूँ, मंत्र को मैं 9 बार पढ़ूंगा, 9 बार के बाद इसको मैं काट दूंगा। तो शुरू करता हूँ, कुछ हुआ दोस्तों, कुछ ऐसा हुआ नहीं। ठीक है, मैं नींबू को काटने जा रहा हूँ और आज मैं बैठा काटने के मूड में हूँ, क्योंकि आज जो होगा देखा जाएगा। तो ये नींबू है मेरे पास, अगर ये सूखा निकलता है या इसका कलर सफ़ेद की जगह कुछ और हो जाए तो देखते हैं। काफ़ी ज़्यादा रस भी दिख रहा है, ये देख सकते हैं दोस्तों, मैंने नींबू को काट दिया है, एकदम बढ़िया नींबू है। और ये देखिए बीज भी गिर रहे हैं इसके, और ये देखिए ये इसका रस भी है।
मतलब ना नींबू एक ऐसा फल है साला कि मुंह में पानी ला देता है। तो मैंने तो काट दिया, अब चुड़ैल को भी थोड़ा बुला लिया जाए। तो ये देखिए नींबू को मैं थोड़ा छिड़काव करूँगा बाँसों के ऊपर कि अगर हो तो आए। पत्ती टूट के गिरी दोस्तों, मैं तो सोचा कि आ गई। क्या कुछ नहीं हुआ दोस्तों, बस। तो आपने देख लिया, मैंने नींबू भी काट दिया थोड़े मतलब बांस के पास, और कुछ हमको ऐसा नहीं लगा। हम काफ़ी देर से यहाँ पर हैं भी और बहुत कुछ बोले। हाँ, थोड़ी पंछियों की जैसी आवाज़ आ रही है, चल चल पहल लग रही है यहाँ पर। मतलब जैसा कि बंदा आए अकेला तो शायद उसको उसके रोंगटे खड़े हो सकते हैं। थोड़ा डरावना जगह है ये, लोकेशन भी कुछ ऐसा ही है। और पहली बात, दूसरी बात है किसी का टिबोल बोल सा है, ये बाहर का हिस्सा दोस्तों। अंदर अगर हम जाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा घनी आबादी, मतलब घना ही है, बांस का जंगल है। तो बस दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, नए ब्लॉग पे। और आप भी चाहते हैं कि हम कोई ऐसी जगह जाए तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करिए, 1000 लाइक ज़रूर कर दीजिए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राम राम।